नथी थी। हाँ, जय श्री कृष्ण। हेलो, गुजरात में आप सबका स्वागत है और हैप्पी नवरात्रि की बहुत बहुत ही शुभकामनाएं आप सबको। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमन प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर मेरा खुद का है। तो आज हम ये वीक का भविष्य दिखाने जा रहे हैं टैरोट कार्ड के ऊपर से, मेष से मीन राशि का। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मेष राशि के लिए वीक बहुत ही अच्छा है और कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाले, कहाँ भी आप रुकते हो वहाँ पे आपका काम चालू हो जाएगा, कोई आपको अननोन व्यक्ति आके हेल्प करके चला जाएगा। 6 महीने के अंदर कुछ गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं। राजा और रानी की तरह राज करने वाले बहुत ही अच्छे दिन आपके आ रहे हैं। लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका डार्क पर्पल कलर, ब्लू कलर और ब्लैकिश कलर, येल्लो कलर और क्रीमिश कलर। आपको क्या करना है, आपके घर की जो दहलीज रहती है वहाँ पे कपूर और लौंग का एक मिट्टी के दिए में लेके रोज शाम को ये कर दिया जलाना है, उससे काफ़ी फायदा हो जाएगा। जहाँ पे नेगेटिव आती है वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। वृषभ राशियों के लिए ये वीक बहुत ही थोड़ा आपको लगता है थोड़ा मध्यम दिखा रहा है। कहीं पे आपको लग नींद नहीं आती, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं एकदम अचानक से कुछ ऐसा बुरा सपना है कि आप खड़े हो जाते हो। तो आपको क्या करना है कि हो सके तो आपके जो जहाँ पे रात को आप सोते हो वहाँ पे एक पानी का ग्लास लेके पानी भर के रखना है और फिर वो पानी को आपको पूरी रात रहने देना है और सुबह में उठते पशु पक्षियों को डाल देना है वो पानी। तो वहाँ के आपकी बॉडी की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाएगी और आपको जो बुरे सपने आते हैं और वो सारे चले जाएंगे। और कुछ गुड न्यूज़ आ रहे हैं 6 महीने के अंदर, अच्छे अभी आपके वीक भी आ रहा है। कहीं पे आपके मित्र के ऊपर आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, तो फ्रेंडशिप में आपको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। हो सके तो आप उससे थोड़ा दूर रखें, क्योंकि आपने पहले हेल्प की थी अभी वो आपको हेल्प करना नहीं चाहते, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और आपने आपके घर की जो ओरा लेवल है वो भी पॉजिटिव कर दीजिए नमक के पोछे से। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मिथुन राशि के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। आप पीछे मुड़ के ना दिखे, आगे बढ़िए। अभी आपके दिन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। वंश परंपरागत कार्ड दिखा रहा है, युवक युवतियों की शादी, आपके मम्मी और डैडी ने जैसे शादी की, जैसे कि अरेंज मैरिज हुई तो आपकी भी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज है तो लव मैरिज ही होगी। तो आगे बढ़िए और आप अपना बिजनेस में, एजुकेशन में जो भी जो बढ़ना चाहते हो तो आगे बढ़िए। आपके बहुत ही अच्छा वीक है आपके लिए। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर और एक छोटी सी रेमेडी आपको क्या करना है, आपके घर की जो ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको एक कच्चे के कांच का कटोरा या तो प्लास्टिक का कटोरा लेके वहाँ पे गेहूँ रखना है, ताकि वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी उसमें चली जाएगी। और फिर नेक्स्ट संडे जब वापस आता है तभी वापस चेंज करके नए गेहूँ रखने हैं और पहले के जो है वो कबूतर को, पक्षी को डाल दीजिए, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। कर्क राशियों के लिए ये वीक थोड़ा सा बंधन योग आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि बंधन योग में कैसा रहता है। कि जैसे आपको लगता है कि मुझे किसी ने बांध दिया है, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे आपका बंधन मुक्त करने के लिए आपको क्या करना है। एक कपूर और एक लौंग लेना है, आपके जो मोबाइल रहती है उसमें फ़ोटो रखिए, एंटी क्लॉकवाइज हाथ में कपूर और एक लौंग रखिए, उससे एंटी क्लॉकवाइज गायत्री मंत्र बोल के फिर आपको उसको जला देना है साउथ दिशा में, ताकि आपका बंधन योग मुक्त हो जाएगा। कुछ लाइफ आपकी चेंज हो रही है, आप आगे बढ़िए, कुछ नया होने जा रहा है। कोई ओल्ड लेडी या तो कोई भी लेडी आके आपको, आपको जहाँ रुके हो वहाँ पे आपको हेल्प करके चली जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर और आपको क्या करना है, आपकी जो कुल देवी रहती है उसकी कुछ भी मन्नत ले लीजिए, आपका काम संपूर्ण हो जाएगा। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। सिंह राशियों के लिए ये वीक कैसा है। सिंह राशियों के लिए ये वीक थोड़ा सा कहीं पे हार्ट ब्रेक होने की शक्यता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे रिलेटिव्स में ब्रेक हो सकता है, या तो कहीं मित्र द्वारा, या तो कहीं पे हार्ट सर्जरी भी हो सकती है, तो अभी थोड़ा ध्यान रखें ये वीक के लिए। थोड़ा कुछ पर डिप्रेशन में नहीं आना है, अपने आप को रोक सोल से बात ले लेना है, ताकि काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। आपको भगवान ने इतनी अच्छी शक्ति दी है, खुद ही आप अपनी शक्ति को बाहर निकालिए, लोगों द्वारा पहुंचाइए। और आप रिटायरमेंट बारे के सोच रहे हो, तो रिटायरमेंट बहुत ही अच्छा है आपको, और टेंशन ना लें, आप बैठ के खाना खाने वाले हो। लकी नंबर रहेगा आपका 9th नंबर और लकी कलर रहेगा आपका येल्लो, ऑरेंज और रेडिश कलर।
अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? कन्या राशियों के लिए ये वीक थोड़ा मध्यम दिखा रहा है, टेंशन ना ले। जैसे थोड़ा एक दो दिन खराब जाते, बाद में अच्छे दिन आने वाले, तो बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं। आप खुद भी प्रामाणिकता हो, बहुत ही अच्छे काम से आगे बढ़ रहे हो, प्रामाणिकता भी कर रहे हो। कहीं पे ऐसा लगता है तो 6 महीने के अंदर कुछ गुड न्यूज़ आने वाले हैं और कहीं पे कुछ नया होने जा रहा है, लाइफ थोड़ी चेंज होने जा रही है। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका ग्रीन, रेडिस और येल्लो कलर। एक छोटी सी रेमेडी, आपके ऐसा लगता है तो आपको क्या करना है, आपके घर की जो वेस्ट दिशा रहती है वहाँ पे सरसों का तेल का दिया करना है और वहाँ पे बैठ के राम रक्षा स्रोत का पाठ करना है। उससे काफ़ी परेशानी आपकी घर की दूर हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी आ रही है तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? तुला राशियों के लिए ये वीक थोड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ऐसा कहा जाता है। खाली दुश्मन आपके सामने आएंगे तो दुश्मन के सामने मित्रता का भाव दिखाना है और अच्छी अच्छी बातें करके अपने अपना काम खुद का निकाल लेना है। पूरी दुनिया घूमने वाले हो, कहीं पे कुछ गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है ये वीक। थोड़ा संभल कर रहना है और अपने आप को शत्रु सा से बचाना है और आपको प्रमाणिकता रहना है, सबके साथ हिल मिल के जुलिए, बात कीजिए, आगे बढ़िए, तो ही आप काम पर आपका फोकस कर डालेंगे। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज और येल्लो कलर। और आपको क्या करना है, आपकी जो घर की ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको हो सके तो कपूर और एक लौंग मिट्टी के दिए में जलाना है ताकि काफ़ी परेशानी ईस्ट दिशा से जो आती है वो चली जाएगी। अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? वृश्चिक राशियों को अपने आप को अपनी लाइफ को स्टेबल करना है सबके सामने। और भगवत जब भी आप सोने जाते हो, जब भी आप उठते हो, तभी भगवान को प्रार्थना करनी है और फिर उठना है और सोना है, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अब बाकी आप राजा की तरह राज करने वाले हो, आगे दिन भी आपके बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो आगे बढ़िए। लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर और आपको क्या करना है कि हो सके तो जो गाय कुत्ते बिल्ली वो सबको खाना खिलाइए, चिटियों को, तो वो काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लाइफ में जो भी थोड़ी स्ट्रगल आ रही तो वो स्ट्रगल भी चली जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका डार्क पर्पल कलर, ब्लू कलर और क्रीमी से येलो कलर। अभी आ रही है धनु राशि। तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? धनु राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। जैसे सूरज उग रहा है वैसे ही आपके दिन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, कुछ नया होने जा रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं, कहीं पे संतान की प्राप्ति हो रही है अच्छे, और राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो, बंगला गाड़ी कार मोटर ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है। खाली अपने आप को संभालना है कि कहीं पे मनी आप सोचे समझे किसी के पास से लेना देना थोड़ा ध्यान रखे कीजिए और हो सके तो दान कीजिए पैसे से, तो काफ़ी लोगों को परेशानी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका येल्लो, रेडिस और ब्लैक इज कलर। और छोटी सी एक रेमेडी, आप अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, जितना पॉजिटिव कीजिए उतना अच्छा रहेगा। साउथ दिशा में आपको सरसों का तेल का दिया जलाना है रोज़ शाम के टाइम पे, तो पितृदेव का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। अभी आ रही है मकर राशि। तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? मकर राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। आपको लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आ जाती, बहुत अच्छा मैं बिजनेस कर सकता हूँ बहुत सारा, लेकिन थोड़ा संभल के चलना है। आप अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहे हो लेकिन अभी जो टेक्निक जो आगे बढ़ी है वो टेक्निक में आपको ध्यान रखना है, दो जन की एडवाइस लेके फिर आप आगे बढ़िए, फिर बिजनेस कीजिए, तो काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और अननोन व्यक्ति लेडीज़ आपकी लाइफ में आएंगी और हेल्प करके चली जाएगी और आप बहुत ही आगे बढ़ने और राजा और रानी की तरह काम करने वाले हो और भी आगे बढ़े। युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका वाइट कलर और हो सके तो रात को चंद्र दर्शन कीजिए। नॉर्थ वेस्ट दिशा में आपको कहीं फॉरेन के योग भी बन रहे हैं तो एक बैग कपड़े भर के रखना है ताकि आपको जल्दी से योग बन जाए। अभी आ रही है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? कुंभ राशियों के लिए ये वीक थोड़ा मध्यम दिखा रहा है। आप अपने आप किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं, आप खुद आगे बढ़िए क्योंकि आपको पास सब लोग आते थे, अपना नॉलेज लेके जाते थे और अपना खुद का सबका काम हो जाता, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तभी आप किसी के पास एडवाइस लेने जाते तो वो लोग आपको उल्टे रास्ते पे लेके जाते, तो थोड़ा संभाल कर रहिए। और कोई भी एग्रीमेंट बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना है क्योंकि आपको
घर के बाहर निकालने की तैयारी करें, आपके शत्रु बढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, फिर आगे बढ़े। युवक युवतियों खुद अपने आपके साथ हिल मिल के रहिए और बातचीत कीजिए, तो किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं कीजिए तो काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, लकी कलर रहेगा व्हाइट, और हो सके तो माँ का दर्शन या तो चंद्र दर्शन कीजिए, कुल देवी के भी दर्शन करके जो भी कार्य करें वो अच्छा रहेगा, पहले नाम लीजिए तो काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। लकी कलर रहेगा आपका जैसे व्हाइट मैंने बताया, येलो और रेडिस कलर भी अच्छा है। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, मीन राशियों के लिए ये वीक, मीन राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। कहीं पे रानी की तरह राज करने वाले हो, कहीं पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप अपना ज्ञान आपके सीमित रखिए और जो आपको चाहते और आपके पास ज्ञान लेना चाहते उसको आप ज्ञान दीजिए, तो काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। 6 महीने के अंदर कुछ गुड न्यूज़ आ रहे हैं, राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो और बहुत ही लकी है ये वीक आपके लिए। 4th नंबर आपका लकी नंबर रहेगा, कलर रहेगा आपका रेडिस येलो कलर, ब्लैक इज मरून कलर और ग्रीन और येलो कलर, व्हाइट कलर। आपको क्या करना है, हो सके तो छोटी सी रेमेडी नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपको क्या करना है कि येलो कलर के भगवान को थर्सडे के दिन क्लॉथ पहनाइए, तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे और आपके अंदर जो भी रुकावट आ रही है आपके घर के अंदर या तो काम के अंदर, तो वो रुकावट भी चली जाएगी। आप अपने साथ एक हल्दी का गाठी वो आपके साथ रखें तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। तो हेलो गुजरात की ओर से ये वीक के लिए आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you.